हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल भटनागर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर स्टडिंग वेल। आज हम एक बहुत ही आसान चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है स्पेशल पर्पस बुक सेकंड अदर बुक्स। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 11 है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 किया था, जो स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक था। हमने कैश बुक के तीनों काइंड्स के हमने समझे भी अच्छे से, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक, और उसके न्यूमेरिकल्स भी किए। होप आपने अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। आज ये चैप्टर इसलिए मैं आसान बोल रहा हूँ, जब आपने जर्नल कर लिया, आपने लेजर कर लिया, आपने जीएसटी कर लिया, तो उसके मुकाबले में ये चैप्टर बहुत आसान है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे परचेज बुक से करेंगे। परचेज बुक क्या होती है? एक सब्सिडरी बुक है। जैसे कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, कैश अकाउंट तो बनाया ही जाता था, एक सब्सिडरी बुक बनाई जाती थी कैश बुक के लिए। इसी तरह परचेज अकाउंट तो बनेगा ही, एक परचेज अकाउंट को हेल्प करने के लिए सब्सिडरी बुक बनेगी जिसका नाम परचेज बुक। इस परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा और क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, ये अब हम देखते हैं। परचेज बुक रिकॉर्ड्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। नंबर वन इज परचेज ऑफ गुड्स ओनली, इन विच फर्म डील्स। मीन्स परचेज बुक में ऐसे गुड्स को एंटर किया जाएगा जिसमें फर्म डील कर रही है, या उसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर कोई गुड्स हैं तो वो उसमें एंटर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल्स, अगर फर्म का जो डीलिंग बिजनेस है वो शर्ट्स बनाना है या स्टेशनरी बनाना है, तो इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ही परचेज बुक में एंटर किया जाएगा। सेकेंड कंडीशन है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जो गुड्स कैश में खरीदा जाता है, जिनकी पेमेंट हम कैश कर देते हैं, उसकी एंट्री परचेज बुक में नहीं की जाएगी। आप कहेंगे क्यों नहीं की जाएगी, जब हम गुड्स परचेज कर ही रहे हैं, चाहे कैश में करें चाहे क्रेडिट में करें, तो और जब परचेज बुक बन रही है तो उसी में एंट्री करो। जो कैश परचेजेज है हम उसकी एंट्री कैश बुक में करते हैं। कैश बुक में हम करते हैं ना बाय परचेजेज लिख के क्रेडिट साइड के अंदर, तो इसमें सिर्फ से क्रेडिट परचेज्ड आएगा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब देखिए क्या क्या एंट्रीज नहीं होंगी। परचेज बुक डज नॉट रिकॉर्ड, क्या क्या रिकॉर्ड नहीं करेगा परचेज बुक? परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, कुछ भी ले लीजिए आप फॉर ऑफिस यूज। अगर ऑफिस के लिए इवन क्रेडिट पे भी लिया है, कोई फर्नीचर लिया है, कंप्यूटर लिया है, प्रिंटर लिया है, तो वो परचेज बुक में एंट्री नहीं होगा। इसमें एंट्री क्या होगा? सिर्फ से गुड्स परचेज, और वो भी जिसमें फर्म डील कर रही है, ठीक है। और दूसरा क्या एंट्री और नहीं होगी? गुड्स परचेज्ड परचेस्ड ऑन कैश बेसिस। जो कैश पेमेंट हुआ है वो एंट्री नहीं होगा, सिर्फ से क्रेडिट पे जो एंट्री होगा। अब और परचेज बुक में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? सेलर्स डिटेल, मींस नेम ऑफ द सेलर, किससे खरीदा है हमने, नेम ऑफ द सेलर, उसका आपने एड्रेस नोट करना है वो भी कर लीजिए। फिर हमने क्या आर्टिकल, क्या चीज़ खरीदे हमने, आर्टिकल नेम, रेट, क्वांटिटी, ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी, ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी, इसके अलावा जीएसटी। जीएसटी में क्या क्या हो सकता है हमारे पास? आईजीएसटी हो सकता है या सीजीएसटी,
और SGST, ये सारी चीज़ें हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, परचेज बुक बनाने के कितने फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो जनरल एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, हम डायरेक्ट परचेज बुक में ही एंट्री कर देंगे, तो हमारा जनरल वाला काम जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, वर्क वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है। दूसरा एक फ़ायदा ये भी है परचेज बुक का कि हमें सेलर की कंप्लीट डिटेल्स मिल रही हैं, कि हम साल भर बाद भी अगर हम देखना चाहें कि हमने किस सेलर से कौन सा आर्टिकल लिया था, क्या क्वांटिटी ली थी, क्या रेट था और क्या कैलकुलेशन थी, वो हम सब देख सकते हैं। एक और फ़ायदा भी है, हमने जितनी भी क्रेडिट परचेज किया, एक की है, दो की है, 10 की हैं और डिफरेंट सेलर्स के साथ करी हैं, वो सारी हमारी एक ही परचेज बुक में आ जाएंगे। ऑल क्रेडिट परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन वन परचेज बुक। और इस परचेज बुक का टोटल क्या आएगा, परचेज अकाउंट में चला जाएगा। तो सिर्फ से एक एंट्री आई परचेज अकाउंट में, तो टोटल ऑफ परचेज बुक, टोटल ऑफ परचेज बुक विल बी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्लियर है? परचेज अकाउंट में हम डेबिट साइड में दिखाएंगे इसको। अब और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यूजली क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो अपने गुड्स को या प्रोडक्ट्स को होलसेल में खरीदता है, बल्क क्वांटिटी में खरीदता है, और सेलर भी ये चाहता है कि ये क्वांटिटी ज़्यादा लें तो उस पर वो ट्रेड डिस्काउंट भी देता है। अब सारे गुड्स को तो वहाँ बैठ के चेक नहीं किया जा सकता। अब जब गुड्स वो बायर के पास आ जाता है तो वो देखता है कि उसमें कुछ मटेरियल जो है, कुछ प्रोडक्ट जो है वो नॉट एज पर ऑर्डर है, कि सैंपल तो कुछ और दिखाया था और हमारे पास आया कुछ और है, सारे नहीं, कुछ कुछ आया कुछ और है, या उनमें से कुछ डिफेक्टिव है, ब्रोकन है, या आपने डिलीवरी लेट कर दी। हमने एज़ पर आवर ऑर्डर, हमारी कंडीशन ये थी कि 2 दिन में, 3 दिन में या इस डेट तक पहुंच जाना चाहिए, उस डेट तक आपने नहीं पहुंचाया, तो उस केस में जो बायर है वो उसको रिटर्न कर सकता है। अब जो बायर रिटर्न करेगा तो उसके लिए वो परचेज रिटर्न बुक में करेगा, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एग्जैक्टली वैसे ही बनती है जैसे कि परचेज बुक बनती है। उसमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं परचेज रिटर्न बुक में, इसमें इसी को ही मैं कर देता हूँ परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक्स क्या रिकॉर्ड करती है, परचेज ऑफ गुड्स इन विच फर्म डील्स, जिसमें फर्म्स ने डील किया उन्हीं गुड्स को ही अगर रिटर्न किया जा रहा है तो वही रिकॉर्ड होगा। दूसरा, क्रेडिट पे अगर परचेज हुआ है वो गुड्स, वही परचेज रिटर्न बुक में आएगा। और इसके अलावा सेलर की डिटेल भी आएगी, आर्टिकल, क्या आर्टिकल को आप वापस कर रहे हो, किस रेट से लिया था हमने और कितनी क्वांटिटी को आप वापस करना चाहते हो, वो आएगा परचेज रिटर्न में। और हाँ, इन केस ट्रेड डिस्काउंट मिला है उस समय तो उस ट्रेड डिस्काउंट को भी आप वापस करोगे। GST अगर लगा हुआ है तो GST को भी आप रिवर्स करोगे। तो ये परचेज रिटर्न बुक का है। और परचेज रिटर्न बुक में क्या नहीं दिखाएंगे, परचेज रिटर्न बुक डज नॉट इंक्लूड, अगर आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया था, कंप्यूटर लिया था, प्रिंटर लिया था, उसको आप रिटर्न कर रहे हो तो वो नहीं आएगा। सिर्फ से वही गुड्स आएगा जिसमें फर्म डील करती है, या गुड्स परचेज हुआ हुआ है, कैश पे हुआ हुआ है, उसको रिटर्न कर रहे हो, वो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा। तो ये दोनों सिमिलर ही हैं, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए, इसका कंसेप्ट समझने के लिए न्यूमेरिकल करेंगे, परचेज बुक पे भी, परचेज रिटर्न बुक पे भी, आपकी TS ग्रिवाल की बुक से लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं परचेज बुक के ऊपर न्यूमेरिकल लेते हैं TS ग्रिवाल की बुक से। स्टूडेंट्स ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आपका चैप्टर नंबर 11 है TS ग्रिवाल से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मैसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली, प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2018। ये नारायण एंड कंपनी दिल्ली में है, अब इसकी परचेजेस देखना है कहाँ कहाँ की है। तो अब हम इलस्ट्रेशंस को पढ़ते हैं। फरवरी 1 की डेट में है, परचेज्ड फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी कैलकटा ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। स्टूडेंट्स एक तो ये ब्राउन एंड कंपनी कैलकटा की है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नारायण एंड कंपनी जो है ये दिल्ली में है, तो हमने इसके ऊपर IGST लगाना है। और दूसरा, ये ग्रॉस से क्या मतलब है आपको मालूम है, ग्रॉस क्या होता है, 5 ग्रॉस पेंसिल्स,
अभी जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रॉस से क्या मतलब है। अभी हम सिर्फ से जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं। फरवरी 2 में है परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट। देखिए कैश परचेजेस है तो कैश परचेजेस को हम नहीं इंक्लूड करेंगे परचेज बुक के अंदर, हम सिर्फ से क्रेडिट परचेज को करेंगे। फिर फरवरी 3 में है परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज। अब ऑफिस यूज़ के लिए कंप्यूटर प्रिंटर लिया है वो भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ से उसी आइटम्स को उसी गुड्स को इंक्लूड करेंगे जो जिसमें बिजनेस डील हो रहा है। कंपनी जो डील करती है वो सिर्फ से स्टेशनरी आइटम्स को कर रही है तो हम स्टेशनरी आइटम्स को लेंगे। 4 फरवरी में है परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है पेपर मार्ट दिल्ली का है इसमें हम CGST या SGST लगा देंगे। फिर 5 में है परचेज्ड पेंस लिए हैं दिल्ली से हैं, ये भी ठीक है आइटम, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। फिर लास्ट में लिखा है CGST एंड SGST इज लेविड एट द रेट 2% ईच एंड IGST इज लेविड 5%। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसको अब हम बोर्ड पे करते हैं। मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ, उस फॉर्मेट को हम समझेंगे और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को करते रहेंगे, समझ के करेंगे। तो चलिए इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट है परचेज बुक का। सबसे पहले है इसमें डेट, डेट ऑफ क्रेडिट परचेज, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में सेलर का नाम, क्वांटिटी डिटेल, फिर इनवॉइस नंबर उसका, सेलर ने जिस इनवॉइस पे हमें बिलिंग किया है, फिर डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट CGST, इनपुट SGST और IGST, ये सारी डिटेल्स अलग अलग इसके अंदर आएंगी। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू फिल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अपने उसी एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में 1 फरवरी को मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी से लिया है, कैलकाटा की कंपनी है, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। अब सबसे पहले तो ग्रॉस को समझना है कि ग्रॉस का क्या मतलब होता है। आपको डजन मालूम है, डजन तो हाँ जी मालूम है, 12 को कहते हैं डजन। तो ग्रॉस जो होता है स्टूडेंट्स, अगर हम डजन का स्क्वायर कर दें तो वो ग्रॉस हो जाता है। इट मींस अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो वो ग्रॉस हो जाएगा। ग्रॉस मींस 144। एक और होता है ग्रेट ग्रॉस, ग्रेट ग्रॉस ये है डजन का की पावर 3, तो ये आता है 1728। अब किसी क्वेश्चन में आ जाए ना ग्रेट ग्रॉस तो इट मींस 1728 क्वांटिटी, ग्रॉस का मतलब 144। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेट में डाल देंगे हम फरवरी 1। सबसे पहले सेलर का नाम, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कैलकाटा, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। क्या लिया है हमने? 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर ग्रॉस, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6000 रुपीज। इसके अलावा और क्या लिया है? 2 डजन रजिस्टर लिए, सब कुछ लिखना है, रजिस्टर एट द रेट 500 पर डजन, ये कितना हो गया? 1000 रुपीज। तो इट मीन्स 7000 रुपीज़ का हमने उससे सामान लिया है। अब स्टूडेंट्स ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, ट्रेड डिस्काउंट हम इस क्वांटिटी के, इस अमाउंट के ऊपर लेंगे, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो इसको हम लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% है, इट मीन्स 700 इसमें हमने माइनस कर दिया तो 6300 का हमने सामान लिया है। और इसके ऊपर हमने क्या लगाया, क्योंकि ये कोलकाता की है तो हमने लगाया प्लस इनपुट IGST, इनपुट IGST 12%, ये बना 315 रुपया। तो टोटल जो बिलिंग हुई है 6615। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इनके आगे के कॉलम्स में क्या भरना है। अब कॉस्ट हमारी एक्चुअली में कितनी थी? कॉस्ट तो हमारी 6300 थी ना,
डिस्काउंट के बाद जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो 6,300 आ रही है, और इनपुट CIGST हमारा इस केस में कितना है, 315 रुपये है, ये तो है नहीं। तो इस सब डिटेल का पर्पस यही है कि कभी आगे रेफरेंस लेना हो तो हमें पता लग जाएगा जी हमने ब्राउन एंड कंपनी कैलकटा के थे उनसे ये आइटम्स हमने लिए हैं, इस रेट पे लिए, ये ट्रेड डिस्काउंट दिया था, इतना इनपुट IGST लगा। और नेक्स्ट एंट्री की तरफ देखते हैं, 2 फरवरी की डेट का तो परचेज फॉर कैश है, कैश वाली ट्रांजेक्शन तो उसमें आएगी नहीं, ओनली क्रेडिट पर एंट्रीज आएंगी। 3 फरवरी परचेज कंप्यूटर प्रिंटर है, तो वो भी प्रिंटर की एंट्री भी इसमें नहीं आएगी, सिर्फ से गुड्स आएगा। 4 फरवरी की डेट में है परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, द पेपर कंपनी दिल्ली से लिया है, मैं इसको रब करता हूँ, February 4th द पेपर कंपनी दिल्ली की है ये, तो इसका मतलब दिल्ली की है, तो इंट्रा स्टेट है, हम CGST और SGST लगाएंगे। 8 रिम्स वाइट पेपर और एट द रेट 500, और 10 रिम्स रूल्ड पेपर एट द रेट 600। 8 रिम्स एट द रेट 500 और 10 रिम्स है एट द रेट 600, तो कितने के हो गए ये, 4,000 के तो 8 रिम्स हो गए और 10 रिम्स हो गए 6,000 के, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 10,000, लेकिन इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये कितना है 10%, 1,000 रुपीज़, ये रह गया 9,000 प्लस इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये दिया हुआ है 2.5% ईच, तो 2.5% आप निकालोगे 9,000 पे, तो ये आएगा 225 रुपीज़, 225, और टोटल आ गया हमारा 9,450, 9,450 रुपीज़। अब हमने इसको और बैफ्रिकेट करना है, कॉस्ट हमारी थी 9,000 रुपीज़, हमने कॉस्ट में लिख दिया और 225 हमने CGST में लिख दिया और 225 हमने लिख दिया SGST, तो ये हमारी एक और एंट्री पूरी हो गई। अब हम थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं, अब एक एंट्री और रह गई है स्टूडेंट्स, मैसर्स वर्मा ब्रदर्स से 8 रेनॉल्ट पेंस लिए, 5 रुपये का एक था, February 5, आई होप मुझे देख पा रहे होंगे आप, February 5, मैसर्स वर्मा ब्रदर्स इनसे लिया है, क्या लिए हैं, 8 पेंस एट द रेट ₹50, तो कितने के होगा ये, 400 के, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि सिर्फ 8 ही पेन लिए हैं, ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली क्वांटिटी के ऊपर होता है, तो इस पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, CGST और SGST। आप 400 पे 2.5% निकालेंगे, 10 रुपीज़ आएगा और यहाँ पे भी 10 रुपीज़ आएगा, तो टोटल हमारा हो गया 420। तो इसकी कॉस्ट आप लिख सकते हैं, 400 कॉस्ट थी और 10 रुपीज़ CGST था, 10 रुपीज़ SGST था। तो स्टूडेंट्स अब हमें इन सब का टोटल करना है, ये सारा टोटल, इन तीन तीन ट्रांजैक्शंस हैं हमारी, तीन हमने सेलर्स के साथ प्रोडक्ट लिए हैं, सेलर नंबर 1 ये था, 2 ये है, 3 ये है, तो अब इन तीनों का टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इन तीनों का टोटल आ रहा है 15,700, 15,700 ये चला जाएगा परचेज अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, बहुत आसान का क्वेश्चन है, सिर्फ से आपको प्रेजेंटेशन ही है इसमें मेनली, बाकी जो छोटी सी कैलकुलेशंस है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसी तरह अब परचेज रिटर्न बुक है, उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके कर लेते हैं, मैं इसको अभी रफ करता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, और एक जो हम इलस्ट्रेशन हम अभी करके चुके हैं उसी इलस्ट्रेशन का हमने एक पार्ट जो हमने मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कैलकटा से
जो हमने 2 डज़न रजिस्टर लिए थे एट द रेट ऑफ 500, हमने उसको 1 डज़न वापस कर रहे हैं। किसी भी रीज़न से वापस कर सकते हैं, तो इसी को ही अब समझते हैं। हमने यहाँ पे डेट आएगी, डेट ऑफ रिटर्न, किस डेट को हम वापस कर रहे हैं। मैं सर नाम लिख दिया, इसकी पूरी डिटेल 1 डज़न रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 500, डिटेल्स में आ गया 500, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट इसमें फिर से आएगा, क्योंकि सेलर ने भी हमें डिस्काउंट दिया था। अगर सेलर हमें डिस्काउंट नहीं देता तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। सेलर ने हमें 10% डिस्काउंट दिया था, तो 500 की चीज़ को हम भी 50 रुपीज़ लेस करके 450 रुपीज़ की एक्चुअल कॉस्ट जो हम उसको वापस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। अब क्योंकि ये कोलकाता से थे और नारायण एंड कंपनी दिल्ली के थे, तो हमने IGST लगाया था, तो IGST ही 5% 23 रुपीज़ बैठता है। तो 23 रुपीज़ हम IGST लगा के 473 रुपीज़ का इसको एक डेबिट नोट बनाएंगे। तो हमने इनपुट में लिख दिया 23 रुपीज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स डेबिट नोट आएगा। परचेज रिटर्न बुक बनाने से पहले एक डेबिट नोट बनाना पड़ता है। डेबिट नोट क्या है? सिंपल है, जैसे नारायण एंड कंपनी है, नारायण एंड कंपनी दिल्ली, फॉर्मेट है ये डेबिट नोट का। आप किसको डेबिट कर रहे हो? पहले तो आप लिखोगे डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, फॉर एग्जांपल 51 है तो आप यहाँ पे लिख दोगे DN 51। ठीक है, अब डेबिट नोट नंबर किसको डेबिट कर रहे हो? हम इसको कर रहे हैं, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कैलकाटा। क्या वापस कर रहे हैं हम? 1 डज़न, ये डिटेल यहाँ लिख देंगे, 1 डज़न रजिस्टर एट द रेट 500, जो भी डिटेल्स है वो यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे साइन करके मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी को भेज देंगे। तो ये एक डेबिट नोट का छोटा सा फॉर्मेट है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। कि तो इसी डेबिट नोट का रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया जाता है। हमने यहाँ 51 नंबर था तो DN नंबर 51 डाल दिया। तो ये हमारा बहुत आसान सा टॉपिक था परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक के ऊपर। इसी तरह से सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक भी है। अब अगले वीडियो में हम सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक को लेंगे। आप इसको देख लो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।